नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है 17वीं बीपीएससी पीटी के लिए दृष्टि आईएएस के 12वें नंबर के टेस्ट पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है 1 से लेकर 11 नंबर के टेस्ट पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। दृष्टि आईएएस के टेस्ट पेपर के पश्चात जो है हम लोग एडुटेरिया कोचिंग के भी जो है टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। 5 पेंडिंग है और जो है संभावना है कि धेय आईएएस के भी टेस्ट पेपर जो 15 है वो भी हम लोग सॉल्व करवा देंगे। तो आज हम लोग जो है दृष्टि आईएएस के 12वें नंबर के टेस्ट पेपर को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रौद्योगिकियां चतुर्थ औद्योगिक क्रांति का भाग है, यानी चतुर्थ औद्योगिक क्रांति यानी औद्योगिक क्रांति 4.0 का भाग है। तो पहला है योगज विनिर्माण, दूसरा है भौतिक प्रणाली, तीसरा है संवर्धित वास्तविकता। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे देखा जाए औद्योगिक क्रांति 4.0 के भाग की, तो ये तीनों ही जो है चतुर्थ औद्योगिक क्रांति के भाग है, तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो इंडस्ट्री 4.0 है, इस शब्द को जो है क्लास स्वाब ने अपनी पुस्तक द फोर्थ इंडस्ट्रीज रिवोल्यूशन में इसको संदर्भित किया है। इसके अलावा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर फिजिकल सिस्टम, ऑगमेंटेड रियलिटी यानी वर्चुअल रियलिटी और डेटा एनालिटिक्स इंडस्ट्री 4.0 से संबंधित प्रमुख तकनीकें हैं, और इन तकनीकों की मदद से जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में डेटा संचालित निर्णय लेने में सहायता मिलती है। इसलिए इन जो है शब्दों को जो है संदर्भित किया गया है इंडस्ट्री 4.0 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष मलबे को न्यूनीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय पहलें की गई हैं। पहला है पोयम 3 मिशन, दूसरा है प्रोजेक्ट नेट्रा, तीसरा है द जीरो डेब्रिस चार्टर। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो अंतरिक्ष मलबे के बारे में बात हो रही है, तो उसको जो है कम करने के लिए कौन से जो है पहलों को जो है भारत ने अपनाया है या भारत द्वारा इन पहलों को किया गया है। तो एक तो यहाँ पे पहला सही है पोयम 3 मिशन और प्रोजेक्ट नेत्रा, तो ये दो विकल्प यहाँ पे सही है, जबकि तीसरा विकल्प है वो यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि इसे जो है विकल्प को जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है ESA इसने जो है अपनाया है, जिसमें जो है अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए एक तरीका है। ये तो ये यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अपनाया गया है, ना कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा। तो इस प्रकार यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही होगा और दूसरा स्टेटमेंट सही होगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में अंतरिक्ष मिशन है, सूची सेकेंड में संबंधित अन्वेषण है, तो इनका जो है मिलान किया जाए, तो ए का मिलान होगा तीसरे से और स्लिम मिशन का मिलान होगा चंद्रमा से, यूरोपा क्लिपर का मिलान होगा जो है यूरोपा से। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन का कूट सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा। अंतरिक्ष अन्वेषण के संदर्भ में केसलर सिंड्रोम क्या है। तो केसलर सिंड्रोम जो है नासा के वैज्ञानिक डोनाल्ड जे केसलर द्वारा वर्ष 1978 में प्रस्तुत की गई एक अवधारणा है, और इसमें पृथ्वी की निचली कक्षा में एक संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया का वर्णन किया गया है, जहां दो अंतरिक्ष वस्तुओं के बीच जो है टकराव से मलबा उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखा जाए तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इस प्रक्रिया के जारी रहने से जो है अंतरिक्ष मलबे की मात्रा लगातार बढ़ती रहती है या बढ़ सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पाँचवा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। पहला है रूबी, दूसरा है पर्ल, तीसरा है एमराल्ड और चौथा है क्रिस्टल। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो पाँचवें में देखा जाए तो प्रोग्रामिंग भाषा जो है नीमो और वाक्य विन्यास का एक जो है औपचारिक समूह होता है,
जिसका उपयोग कंप्यूटर को विशिष्ट कार्य करने या समस्याओं को हल करने के लिए दिशा निर्देश देने के लिए उपयोग किया जाता है। और रूबी, पर्ल, एमराल्ड और क्रिस्टल जो है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो चारों ही विकल्प सही हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छठवां, एफडीसी पद का विस्तारित रूप क्या है जिस पर जो है मैसेजिंग रसायन के संदर्भ में व्यापक रूप से चर्चा की जाती है। तो इसका जो है फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म है जो है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर है सी ऑप्शन। और एफडीसीज जो है तपेदित और मधुमेह के रोगियों हेतु काफ़ी जो है उपयुक्त है, जिनके लिए उन्हें नियमित रूप से कई दवाएं लेने की आवश्यकता होती है। और एफडीसी से जो है रोगी को प्रत्येक दिन लेने वाली कई गोलियों की संख्या में कमी आती है, जिससे उपचार अनुशासन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। और हाल ही में भारत सरकार ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर जो है हाल ही में प्रतिबंध लगाया है, जिससे जो है चेस्टन कोल्ड और फोरासिड जैसी लोकप्रिय दवाएँ जो है शामिल हैं, जिनका जो है उपयोग जो है सर्दी, बुखार और दर्द में उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सातवां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अंगों, ऊतकों या कोशिकाओं को एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में जो है प्रत्यारोपित करने की प्रक्रिया को अपर प्रतिरोपण कहा जाता है। दूसरा है, मनुष्यों में अंगों की कमी को दूर करने के लिए अपर प्रतिरोपण एक व्यापक रूप से स्वीकृत विधि है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सातवें में देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि इस तकनीक को अभी तक व्यापक रूप से स्वीकृत नहीं किया गया है, क्योंकि यह अभी शोध का क्षेत्र है, यानी शोध का विषय है, और इसमें अभी भी प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा अस्वीकृति जानवरों की बीमारियों के मनुष्यों में संचारित होने जैसे जोखिम अभी भी बने हुए हैं, इसलिए अभी इसको स्वीकृति नहीं मिली है। तो केवल पहला ही स्टेटमेंट सही होगा, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आठवां, गूगल की किस सहायक कंपनी ने एआई टूल अल्फा फोल्ड 3 विकसित किया है, जिसे जो है विभिन्न प्रोटीनों के आकार की भविष्यवाणी करने के लिए अभिकल्पित किया गया है? तो यहाँ पे आठवें का करेक्ट आंसर होगा वीप माइंड, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, वीप माइंड को जो है अभिकल्पित किया गया है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर नौवां, अफीम पोस्ता के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अफीम पोस्ता का जो पौधा है उसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? पापावेर सोमनीफेरम, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दसवां, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन समूहन की प्रक्रिया है? तो समूहन की प्रक्रिया के लिए देखा जाए तो प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी की परस्पर प्रतिच्छेद प्रक्रिया जो है समूहन की प्रक्रिया है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्योंकि जो है एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडी होते हैं, ये जो है एक दूसरे से लॉक की पैटर्न पर जो है जुड़े होते हैं, और एंटीजन और एंटीबॉडी के एक साथ मिलने की प्रक्रिया को ही समूहन कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ग्यारहवां, इनमें से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो यहाँ पे ग्यारहवें का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, और ये मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक छोटी ग्रंथि होती है, और इसे ही जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि ये शरीर में जो है कुछ महत्वपूर्ण हार्मोनों को संश्लेषित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर बारहवां, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बारहवां, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में दे रखा है परागण की प्रक्रिया, और सूची सेकेंड में दे रखा है परागण का माध्यम। तो एनीमोफिलस का मिलान किससे होगा? ये जो है वायु द्वारा परागण होता है, तो इसका मिलान जो है पहले से होगा। दूसरा ऑप्शन है मैला कोफिलस, ये जो है सीप द्वारा परागण होता है, तो इसका मिलान दूसरे से होगा। अगला है सी ऑप्शन में हाइड्रोफिलस, तो हाइड्रोफिलस का मिलान होगा जल द्वारा
परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसका मिलान तीसरे से होगा। अगला है ऑर्निथोफिलस, ये जो है पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है, तो इसका मिलान चौथे से हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13वां। 13वें नंबर क्वेश्चन है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसके कारण होता है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है पुरुषों में दो एक्स गुणसूत्र का माध्यम है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड कौन सा है इसमें, तो इसमें जो है दो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ होती हैं, और इसमें जो है देखा जाए माल्टोज होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जो है माल्टोज होता है, इसके अलावा सुक्रोज भी होता है। सुक्रोज का जो है जो मिश्रण है वो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज होता है, तो यहाँ पे सुक्रोज का ऑप्शन है, तो ये यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, पीतल के संघटकों में कौन सा मिश्र धातु सम्मिलित है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि इसमें तांबा और जस्ता का जो है मिश्रण सम्मिलित है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन कौन सा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑक्सिन भी है, जिब्रेलिन भी है और साइटोकाइनिन भी है, तो तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सारे ही विकल्प ये जो दिए रखे हैं ये पादप हार्मोन के जो है विकल्प है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, पौधों में जाइलम का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो करेक्ट आंसर है जड़ों से तने एवं पत्तियों तक जल का परिवहन होना जो है जाइलम का एक उपयोग है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, नैनो स्केल स्तर पर इमेजिंग के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस मस्तिष्क संकेतकों को प्राप्त करते हैं और उन्हें संकेतों में जो है अनुदित करते हैं जो बहिर्वेश उपकरण पर प्रसारित किए जाते हैं जिससे वांछित क्रियाएं होती हैं। दूसरा कथन है कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का मुख्य लक्ष्य तंत्रिका पेशी विकारों से अक्षम हुए लोगों को उपयोगी कार्य करने में सक्षम बनाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 19 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, पहला दूसरा दोनों कथन सही है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है जबकि अर्धसूत्री विभाजन प्रजनन कोशिकाओं में होता है। दूसरा कथन है कि समसूत्री विभाजन में दो संतित नाभिक एक एकल पैतृक नाभिक से उत्पन्न होते हैं जबकि अर्धसूत्री विभाजन में चार संतति नाभिक एक एकल पैतृक नाभिक से उत्पन्न होते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है ये आपको बताना है। तो यह जो है आरएनए का डीएनए में रूपांतरण है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्रलय एक छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। दूसरा कथन है कि इस मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर है और इसे मोबाइल लॉन्चर से प्रक्षेपित किया जा सकता है। तीसरा कथन है इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन
सही है। तो 21 में देखा जाए, 21 में करेक्ट आंसर क्या है, 21 नहीं 22, 22 नंबर क्वेश्चन है। तो 22 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो भारत में जो है स्वदेश में ही विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रलय का जो है अभी हाल ही में सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया गया है। तो ये सतह से हवा में नहीं, सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, दूसरा यहाँ पे सही है और तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, मेन केस सिंड्रोम संबंधित है। तो मेन केस सिंड्रोम जो है संबंधित है कॉपर की कमी से होने वाला जो है सिंड्रोम है, और मेन केस रोग को जो है किन्हीं हेयर रोग के रूप में भी जाना जाता है, और ये विल्सन रोग के विपरीत कॉपर की कमी से संबंधित है, और इसके कारण जो है शिशुओं की जो है त्वचा जो होती है वो पीली हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, मायाव ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। तो माया ओएस एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उबंटू पर आधारित है और जो एक लोकप्रिय लिनक्स वितरण प्रणाली है जिसमें स्वतंत्र तथा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है, और इस यह जो है रक्षा मंत्रालय के तहत जो है संदर्भित है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट अणु की रचनात्मक एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट अणु के संरचनात्मक घटक कौन से हैं। तो इसके जो है संरचनात्मक अणु घटक हैं एडेनिन राइबोज और 3 फॉस्फेट समूह। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में मौजूद नहीं है। तो कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में मौजूद नहीं है, तो रेडॉन गैस यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है नोबल गैस जिन्हें जो है समूह 18 तत्वों के रूप में जाना जाता है, आवर्त सारणी में 7 रासायनिक तत्वों का एक समूह है, उनमें हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन आदि सम्मिलित है, लेकिन यहाँ पे रेडॉन जो रेडॉन है इसको छोड़कर सभी जो है नोबल गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है, दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है कि आरएनए के बजाय डीएनए मुख्य आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो यहाँ पे 28 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, आरएनए रासायनिक और संरचनात्मक रूप से डीएनए की तुलना में कम स्थिर होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, मच्छरों की कौन सी प्रजाति वेस्ट नाइल वायरस के संचरण के लिए प्रमुख वाहक के रूप में कार्य करती है। तो 29 में देखा जाए तो राइट आंसर है सी ऑप्शन, क्यूलेक्स प्रजाति, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये प्रजाति जो है ये मच्छर प्रजाति जो है मनुष्यों और पशुओं जिनमें पक्षी भी शामिल है के बीच वायरस के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो वायरस के भंडार मेजबान के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है, ऐसे मामलों में जहाँ विषाक्तता का संदेह हो पोस्टमार्टम परीक्षण करते समय विषाक्त पदार्थों की उपस्थिति की पहचान करने के लिए आमतौर पर किस अंग की जाँच की जाती है। तो 30 का राइट आंसर है
30 का राइट आंसर है कि यहाँ पे यकृत की जांच की जाती है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 से, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका में गॉल्जी काय का कार्य है? तो 31 का राइट आंसर है गॉल्जी काय का कार्य है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है प्रोटीन तथा लिपिड का जो है संवेष्टन एवं संशोधन करना जो है कोशिका में गॉल्जी काय का कार्य होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और गॉल्जी तंत्र जिसे जो है गॉल्जी काय के नाम से जाना जाता है, एक कोशिकीय अंग है जो प्रोटीन तथा लिपिड के प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से उन प्रोटीन तथा लिपिड को जो कोशिका से बाहर निकाले जाते हैं। और इसका नाम देखा जाए तो इस खोज को करने वाले व्यक्ति कैमिलो गॉल्जी के नाम पर रखा गया। और गॉल्जी काय कोशिका के केंद्रक के पास स्थित ढेरदार झिल्लियों के संग्रह के रूप में दिखाई देती है, जिसे जो है पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, पित्त रस का निर्माण किस अंग में होता है? तो पित्त रस का निर्माण जो है यकृत में होता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत का अच्छा सुचालक है लेकिन ऊष्मा का खराब सुचालक है, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और पारा एकमात्र धातु है जो ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मौजूद होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है, मैलाकाइट एक खनिज है? तो मैलाकाइट एक समान तांबा खनिज है, विशेष रूप से एक बुनियादी तांबा कार्बोनेट जिसका सूत्र होता है CO2CO3OH2, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन तांबे का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है, धातुओं को तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर उत्पन्न गैस कौन सी है? तो उत्पन्न गैस होती है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रिया पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से उस तत्व या यौगिक की पहचान कीजिए जो क्रमशः ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे 36 में देखा जाए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है Fe3O4 और An, क्योंकि जो है ऑक्सीकरण तब होता है जब इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं, जबकि रिडक्शन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। और Fe3O4 को जो है लोहे में रिड्यूस किया जा रहा है जो इलेक्ट्रॉनों के लाभ को दर्शाता है, इसलिए Fe3O4 ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है और अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाता है। दूसरी ओर एल्यूमिनियम यानी Al को एल्यूमिनियम ऑक्साइड में ऑक्सीकृत किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनों की हानि हमें देखने को मिलती है। और इस प्रकार Al ऑक्सीकरण एजेंट को जो है इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण की अनुमति देते हुए एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्क्रम पराशरण एक व्यवहारिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण में किया जाता है, इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? तो इस प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है कि शुद्ध विलायक झिल्ली के माध्यम से विलयन से बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक नॉन स्टिक कुकवेयर के निर्माण में उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है डी ऑप्शन पॉलीटेट्रा फ्लूरो एथिलीन का, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसे टेप्लॉन के नाम से जाना जाता है और इसे उच्च दाब और तापमान पर एक मुक्त मूलक या पर सल्फेट उत्प्रेरक के साथ टेट्रा फ्लोरो एथिलीन की प्रतिक्रिया करके निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, फलों के पकने की प्रक्रिया में कौन सी गैस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इसका नाम क्या है? सी ऑप्शन एथिलीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है, अपच के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस श्रेणी की दवा का उपयोग किया जाता है? तो अपच के लिए जो है
इंटासिट का प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पचा हुआ भोजन भोजन आंत भित्ति में रक्त वाहिकाओं में स्थानांतरित होता है कहलाता है, तो वह कहलाता है जो है अवशोषण, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है, तो इसे जो है सिनेप्स कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रकाश वायु से 1.50 के अपवर्तनांक वाले कांच में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की गति क्या है, यह देखते हुए कि निर्वात में प्रकाश की गति 3×10⁸ ms-1 है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है, तो 44 का करेक्ट आंसर है न्यूटन का गति का पहला नियम, जिसे जड़त्व के नियम के अनुसार जाना जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक प्रक्रिया परमाणु बम की विनाशकारी शक्ति के लिए जिम्मेदार है, तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा नाभिकीय विखंडन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में जो है एक एकल मुक्त न्यूट्रॉन यूरेनियम या जो है प्लूटोनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्व के नाभिक से टकराता है, जिससे 2 या 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और इस श्रृंखला अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ऊर्जा जो है तीव्र गति से निर्मुक्त होती है, क्योंकि ये नए मुक्त न्यूट्रॉन अन्य नाभिकों से टकराते हैं, जिससे वे विकृत हो जाते हैं और अधिक न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और जैसे जैसे अभिक्रिया प्रारंभ होती है ऊर्जा की एक विशाल मात्रा निर्मुक्त होती है, जो परमाणु बम की विनाशकारी विस्फोट और विकिरण प्रभावों को बढ़ाती है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, डार्क ऑक्सीजन जिसे प्रायः समाचारों में देखा गया है संबंधित है, तो 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, पॉलीमेटलिक नोड्यूल द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में 13,100 फीट की गहराई पर डार्क ऑक्सीजन की खोज की है, और ऐसा माना जाता है कि डार्क ऑक्सीजन वह ऑक्सीजन है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बिना उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है, उपग्रह प्रक्षेपण यान का संचालन निम्नलिखित में से किस गति के नियम पर आधारित है, तो 47 का करेक्ट आंसर है न्यूटन की गति के तीसरे नियम के आधार पर आधारित है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है, एक 100 वाट लैंप 220 वोल्ट विद्युत आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, इसके द्वारा खपत की गई बिजली की गणना कीजिए, तो 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 2.4 यूनिट जो है ऊर्जा खपत होगी, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, अर्थ केयर मिशन निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक संयुक्त उद्यम है, तो ये जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा दोनों के सहयोग से जो है निर्मित उद्यम है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य जो है बादलों एरोसोल और विकिरण के बीच जटिल अंतःक्रियाओं का एक व्यापक दृश्य प्रस्तुत करना है, जो विद्यमान जलवायु संकट के बीच पृथ्वी के विकिरण संतुलन को नई दृष्टि प्रदान करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है, बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पहला कथन है यह एक रणनीतिक साझेदारी गठबंधन है जिसका उद्देश्य विश्वभर में बायो फार्मास्यूटिकल उत्पादों की स्थिर और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना और वैक्सीन कूटनीति में सहायता करना है। दूसरा कथन है भारत इस गठबंधन का सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर सही कथन को चुनना है, तो यहाँ पर देखा जाए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि भारत भी इसका जो है मेंबर है
दक्षिण कोरिया भी मेंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ इसके मेंबर हैं। लेकिन यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, नासा द्वारा घोषित ड्रैगन फ्लाई मिशन संबंधित है। तो नासा ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि शनि की विशाल चंद्रमा टाइटन के लिए ड्रैगन फ्लाई मिशन 2028 में प्रारंभ किया जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, टाइटन बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किया गया है। तो ये जो है जोहान्स केपलर द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जिन्होंने बताया था कि ग्रह कैसे सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ऊष्मा गतिकी का पहला नियम कहता है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। जब भी ऊर्जा रूपांतरित होती है तो कुल ऊर्जा अपवर्तित रहती है, और यह जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है कि इस प्रकार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊष्मा गतिकी का पहला नियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप में किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है उत्तल दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है प्रकाश किरणों को फैला देते हैं, परिणाम स्वरूप बनने वाले प्रतिबिंब आभासी और छोटे आकार के होते हैं। इसके अलावा जो है समतल दर्पणों के मामले में प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के बराबर होते हैं, जबकि इसमें प्रतिबिंब अधिक नज़दीक दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, वायु में पीले प्रकाश का अनुमानित तरंगदैर्ध्य क्या है। तो पीले प्रकाश का जो है अनुमानित तरंगदैर्ध्य क्या है, तो पीले का जो है पाँच सौ सत्तर से पाँच सौ नब्बे नैनोमीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा स्थानांतरण की विधि नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है संघनन जो है ऊष्मा स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, ऑक्सीजन परमाणु की परमाणुविक त्रिज्या है। तो इसकी परमाणुविक त्रिज्या है 48 पिकोमीटर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसकी है। तो ये जो है आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन का मिश्र धातु है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो जल की अस्थायी कठोरता मुख्य रूप से मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है, और कठोर जल जो होता है वो साबुन के साथ जो है झाग नहीं देता है, और इसकी जो है कठोरता को दूर करने की विधि है क्लार्क विधि और गलनांक या उबालने की विधि। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, क्लार्क विधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए ऑप्शन, ट्राई नाइट्रो टोलोइन जो एक विस्फोटक है। इसके अलावा जो है बेंजाडॉक्स का उपयोग किया जाता है, एक जो है शाकनाशी है जिसका उपयोग जो है वनस्पति को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो है प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में वसा के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो है सल्फा ग्वानिडीन का उपयोग किया जाता है एंटीबायोटिक दवाओं के निर्माण में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है, 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो ब्रायोफाइटा को जो है उभयचर कहा जाता है पादप जगत का, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 है,
निम्नलिखित में से कौन कोशिका में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करके कोशिका संरक्षण में सहायता प्रदान करता है? तो 62 का करेक्ट आंसर क्या है? डी ऑप्शन, लाइसोसोम। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है लाइसोसोम जो होते हैं, ये गोलाकार पीले रंग के पिंड होते हैं जो कोशिका में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करके कोशिका सुरक्षा में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन पौधों की पत्तियों एवं वायुमंडल के बीच गैसों के विनिमय के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, रंध्र। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण होता है? यहाँ पे 64 को देखा जाए तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन जो है प्रकाश संश्लेषण की एक प्रक्रिया का भाग है। और प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग पौधे एवं अन्य जीव जो है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए करते हैं, और इसका उपयोग जीवों के संचालन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है। निम्नलिखित में से कौन श्वसन तंत्र का विकार नहीं है? तो श्वसन तंत्र का विकार नहीं है तो इसमें करेक्ट आंसर है थैलेसीमिया। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। समस्थानिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 66 में देखा जाए तो राइट आंसर है, समस्थानिक के बारे में देखा जाए तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है कि इसकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक में। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित होता है? तो इस विटामिन का नाम है डी। ये जो है त्वचा हमारे शरीर में विटामिन डी तथा विटामिन की जो है संश्लेषण होता है, और त्वचा में देखा जाए विटामिन डी के उत्पादन के लिए त्वचा जिम्मेदार है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विटामिन डी जो होता है वो हड्डियों एवं दांतों, इसके अलावा प्रतिरक्षा प्रणाली, मस्तिष्क स्वास्थ्य एवं सूजन को नियंत्रित करने के लिए काफ़ी आवश्यक माना जाता है। और शरीर जो है सूर्य के संपर्क में प्रतिक्रिया के रूप में विटामिन डी का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो सिनेप्स जो है तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है, ये यहाँ पे सही नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो सिनेप्स जो है वे संरचनाएं होती हैं जो दो न्यूरॉन्स के बीच एक तंत्रिका आवेग संचालित करती हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है कि 3D प्रिंटिंग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसे योगज विनिर्माण भी कहा जाता है। दूसरा कथन है यह कंप्यूटर सहायता प्राप्त अभिकल्पना और धारणाओं को मूर्त त्रिआयामी वस्तुओं में रूपांतरित करने के लिए प्लास्टिक और धातु जैसी सामग्रियों का उपयोग करता है। तीसरा कथन है यह चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो 69 का करेक्ट आंसर है पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। कौन सी अवधारणा एक क्यूबिट को 0, 1 या दोनों के संयोजन का एक समान अवस्था में रहने की अनुमति प्रदान करता है? तो यहाँ पे 70 का राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन अध्यारोपण। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में यौगिक है, सूची सेकेंड में उनका उपयोग है। सोडियम बाइकार्बोनेट का मिलान होगा बेकिंग सोडा से, और कैल्शियम कार्बोनेट का मिलान होगा जो है फॉस्फेट बाइंडर से, और मैग्नीशियम सल्फेट का जो है उपयोग होगा विरेचक के रूप में, और कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग होगा
पोर्टलैंड सीमेंट के रूप में, यहाँ पे जो कूड़ बनेगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त दाब को कम करता है? तो 72 का राइट आंसर है सी ऑप्शन, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र वृद्धि, चय अपचय एवं यौन विकास को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स का उत्पादन और स्राव करता है? तो 73 का राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन, अंतःस्रावी तंत्र, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लाइकेन के संबंध में सही है? पहला कथन है कि लाइकेन शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध है। दूसरा कथन है लाइकेन के शैवाली घटक को शैवालांश कहा जाता है और यह परपोषी होता है। यह परपोषी नहीं होता, यह जो है स्वपोषी होता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है कि लाइकेन प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं क्योंकि वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो गया और सही के लिए पूछा गया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, घास की पत्तियों में कौन सी कोशिकाएँ वाष्पोत्सर्जन कुंचित करके जल की हानि को कम करने में सहायता करती हैं? तो यहाँ पे 75 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, आवर्ध तो कोशिका, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पादप कोशिका के किस भाग में होता है? तो 76 का करेक्ट आंसर है ये जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, मानव शरीर में लाल रुधिर कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनका प्राथमिक कार्य है जो है फुफ्फुस से ऑक्सीजन का परिवहन करना प्राथमिक कार्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, वृषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वृषण के संबंध में कि वृषण जो है शुक्रजनक नलिका और अंतराली ऊतक से बने होते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और प्रत्येक वृषण जो है अंडाकार आकार का होता है, जो वयस्कों में जो है लगभग 4 से 5 सेमी लंबा और 2 से 3 सेमी चौड़ा होता है, और यह ऊतक की एक घनी परत से ढका होता है जो इसे सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो है एसआई मात्रक टी यानी टेस्ला है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, फैराडे का प्रेरण नियम क्या कहता है? तो इसका जो है प्रेरण नियम कहता है कि जब कुंडली में चुंबकीय प्रभाव समय के साथ परिवर्तित होता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, कौन सी प्रक्रिया नाभिकीय संयंत्रों में ऊर्जा उत्पादन का आधार बनती है? तो यहाँ पर राइट आंसर है बी ऑप्शन, नाभिकीय विखंडन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षी बल है? कौन सा असंरक्षी बल है? तो 82 का राइट आंसर है घर्षण बल को जो है असंरक्षी बल कहा जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भौतिक विज्ञान में देखा जाए तो बलों में संरक्षी बल या असंरक्षी बल के रूप में जो है बलों को वर्गीकृत किया गया है, और किसी संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य केवल वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, ना कि उसके द्वारा अपनाए गए पथ पर। इसके अलावा जो है असंरक्षी बल, जिसे जो है क्षयकारी बल भी कहा जाता है, वस्तु द्वारा अपनाए गए पथ पर निर्भर करता है। ये बल जो है यांत्रिक ऊर्जा को अन्य रूपों जैसे ऊष्मा, ध्वनि या अशांति में नष्ट कर देते हैं, जिससे कार्य करने के लिए ऊर्जा कम उपलब्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना आकाश में नीले रंग की उपस्थिति से संबंधित है? तो यह प्रकीर्णन का एक प्रभाव है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो समतल दर्पण के बारे में बात की जाए
तो समतल दर्पणों द्वारा निर्मित छवियां आभासी होती हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें स्क्रीन पर प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता, क्योंकि परावर्तित किरणें उस बिंदु से भौतिक रूप से गुजरने के बजाय दर्पण के पीछे एक बिंदु से उत्पन्न होती प्रतीत होती हैं, और समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि हमेशा आभासी और सीधी होती है। इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम या सिद्धांत यह बताता है कि समान तापमान और दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि अवोगाद्रो का नियम जो है हमें यह बताता है कि समान तापमान और दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान रहती है। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विभिन्न रूपों में विद्यमान हो सकती है? तो इस अधातु का नाम है कार्बन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 87 में देखा जाए तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है कि पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ जो है उदाहरण है, मतलब कि ताप दृढ़ प्लास्टिक के उदाहरण है, ऐसा कहा गया है। ये यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ना कि ताप दृढ़ प्लास्टिक के, ये थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। जब वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं तो उनका गंध और स्वाद परिवर्तित हो जाता है, इसे जाना जाता है विकृत गंधिता के नाम से। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। अपोहन एक प्रक्रिया है, तो अपोहन एक उपयुक्त झिल्ली के माध्यम से विश्रण द्वारा कोलाइड विलयन से नियोजित पदार्थ को निष्कासित करने की प्रक्रिया है। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। 90 नंबर क्वेश्चन है कि डाई नाइट्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो डाई नाइट्रोजन के बारे में देखा जाए तो तापमान में वृद्धि के साथ डाई नाइट्रोजन की अभिक्रियाशीलता तेजी से कम हो जाती है, ऐसा कथन में कहा गया है, लेकिन जो है अभिक्रियाशीलता तेजी से जो है बढ़ती है, ना कि जो है कम होती है। तो इसमें तापमान में वृद्धि के साथ जो है अभिक्रियाशीलता तेजी से बढ़ती है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। केशिका क्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केशिका क्रिया के बारे में पहला ऑप्शन सही है कि यह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बाह्य बलों के बिना संकीर्ण स्थानों में तरल पदार्थों की प्रवाह क्षमता को संदर्भित करता है। यहाँ पे ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 92। पृथ्वी की सतह पर मापन किए जाने वाले किसी पिंड का भार 36 एन है, चंद्रमा की सतह पर उस पिंड का भार क्या होगा? तो 92 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन 6 न्यूटन होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। भौतिकी के क्षेत्र में अल्बर्ट आइंस्टीन के योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि आइंस्टीन को वर्ष 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव पर उनके प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। दूसरा कथन है आइंस्टीन ने आपेक्षिकता का सिद्धांत दिया जिसमें गुरुत्वाकर्षण के अस्तित्व से स्वतंत्र दिक्काल तथा स्थान के बीच एक विशिष्ट संबंध स्थापित किया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे एक देखा जाए तो एक तो पहला कथन यहाँ पे सही है और दूसरा कथन भी यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। मैक संख्या से क्या तात्पर्य है? तो मैक संख्या से मतलब होता है, मैक संख्या जो होती है यह ध्वनि के स्रोत की गति तापमान एवं दाब की समान परिस्थितियों के समान माध्यम में ध्वनि की गति का अनुपात है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। सिकल सेल रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सिकल सेल रोग में प्रभावित प्रोटीन हीमोग्लोबिन
होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा कथन है कि आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण लाल रुधिर कोशिकाएं अर्धचंद्राकार या सिकल का आकार ले लेती हैं, जिससे छोटी वाहिकाओं में रक्त प्रवाह में व्यवधान उत्पन्न होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 95 में देखा जाए दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 96। कोलाइडी विलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ये प्रकाश पुंज का प्रतिबिंब करते हैं और टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। दूसरा कथन है कि कोलाइडी विलयन में कण का आकार निलंबन की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 96 में देखा जाए पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखा जाए तो यहाँ पे पता चलता है कि जो कोलाइडी विलयन है यह एक विश्वांगी मिश्रण है, और कोलाइड में जो है कण होते हैं, कोलाइड में कण जो है प्रकाश पुंज में प्रकीर्णन करते हैं जो इससे होकर गुजरती है, जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। इस घटना को हम जो है टिंडल प्रभाव के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। हीलियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। दूसरा कथन है, इसका गलनांक और क्वथनांक सबसे कम होता है। तो यहाँ पे भी सही कथन का चुनाव करना है। तो पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि यह हाइड्रोजन के बाद ब्रह्मांड में दूसरा समान तत्व है, और दूसरा कथन यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि के उदाहरण है विस्थापन, वेग, बल, गति, त्वरण, ध्रुवीकरण, लेकिन यहाँ पर तापमान का जिक्र नहीं है। तापमान जो है एक अदिश राशि है, तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। मिश्रण और यौगिकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि तत्व और यौगिकों को मिलाने से मिश्रण बनता है तथा इससे कोई नया यौगिक नहीं बनता है। दूसरा कथन है कि मिश्रण के घटकों को केवल विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 99 में देखा जाए पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है यौगिकों को जो है केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, ना कि मिश्रण को, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। ठोस अवस्था को गैसीय अवस्था में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 100 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और सिरका में जो है एसिटिक अम्ल, और संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, और दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, और चींटी के डंक में जो है मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 102 में देखा जाए सी ऑप्शन सही है, कि समूह सही नहीं है, माफ़ कीजिए, सही नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा, समूह 16 तत्वों के उत्कृष्ट गैसों के रूप में जाना जाता है, यानी आवर्त सारणी में देखा जाए तो जो है समूह में 18 तत्व शामिल है, जिसमें देखा जाए तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन और जो है ऑर्गेनेशन जो है तत्व सम्मिलित है। ये सभी गैसें हैं और रासायनिक रूप से अक्रियाशील है, ये बहुत कम यौगिक बनाती हैं, इसी कारण जो है इन्हें उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है। लेकिन रेडॉन और ऑर्गेनेशन को छोड़कर ये सभी गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं, लेकिन रेडॉन और ऑर्गेनेशन जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। ट्राइक्लोरोथीन एक उदाहरण है, तो ये जो है उदाहरण है कीटनाशक का, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। श्वसन इसका उदाहरण है, तो श्वसन जो है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से किसे ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाले ब्रेवर ईस्ट के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे 105 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, सेक्रोमाइसिस
सेरी वीसी एक ऐसा उत्पाद है जिसे जो है ब्रेवर ईस्ट के रूप में जाना जाता है और यह ब्रेड बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में अंतःस्रावी तंत्र का भाग नहीं है? तो अंतःस्रावी तंत्र का भाग नहीं है तो यकृत जो है पाचन तंत्र का भाग है। यह शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है और यह ऊपरी दाएं उदर में पसली पंजरे के ठीक नीचे और डायाफ्राम के नीचे होता है और यह जो है अंतःस्रावी तंत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में जल में अधिक घुलनशील है। दूसरा कथन है कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन अणु है जो मानव शरीर में ऑक्सीजन परिसंचरण के लिए जिम्मेदार है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 107 में देखा जाए पहला दूसरा दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108 है। डेनियल सेल का उपयोग किया जाता है। तो डेनियल सेल का उपयोग किया जाता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। डेनियल सेल का उपयोग किया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है। दूसरा कथन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधीन कार्य करता है। तीसरा कथन है कि भारत और पाकिस्तान दोनों द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों के उपरांत वर्ष 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया गया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 109 में देखा जाए तीनों ही कथन सही है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110 है। स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया कहाँ पर? तो इसका उद्घाटन जो है किया गया राजकोट में, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 है। संपूर्णता अभियान संबंधित है। तो संपूर्णता अभियान जो है संबंधित है आकांक्षी जिलों और प्रखंडों में प्रमुख संकेतकों पर आधारित परिपूर्णता प्राप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य है और नीति आयोग द्वारा 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 के मध्य लगभग 3 महीनों तक जो है संपूर्णता अभियान का संचालन किया गया यह किया जा रहा है। और इस अभियान का उद्देश्य देश भर में आकांक्षी जिलों और आकांक्षी प्रखंडों में 6 प्रमुख संकेतकों पर आधारित परिपूर्णता प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है। कोलंबो प्रोसेस का उद्देश्य क्या है? तो कोलंबो प्रोसेस एक जो है क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसमें 12 एशियाई सदस्य देश शामिल हैं जो मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों के मूल देश हैं। और यह मंच जो है पार समुद्री रोजगार के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है। भारत के प्रथम पार समुद्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है मॉरिशस में किया गया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसका उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है। सेहर कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो सेहर कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य जो है महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय साक्षरता और व्यावसायिक कौशल को प्रोत्साहन देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है। वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया जाता है। तो यह सूचकांक जो है रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जो देश भर में वित्तीय समावेशन के स्तर को मापता है। और मार्च 2024 में जो है वित्तीय समावेशन सूचकांक बढ़कर 64.2 हो गया जो सभी मापदंडों में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 है। मिशन कर्मयोगी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य जो है भारतीय लोकाचार पर आधारित एक सक्षम लोक सेवा बनाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, 18वीं लोकसभा में कितनी महिला सांसद चुनी गई हैं? तो 18वीं लोकसभा में 74 महिला सांसद शामिल हैं, जो पिछली लोकसभा में 78 महिला सांसदों की तुलना में थोड़ी कम हो गई है। और देखा जाए तो पश्चिम बंगाल से सबसे अधिक महिला सांसदों को चुना गया है, जहां से महिला सांसदों की संख्या 11 है। और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के लोकसभा सांसदों में महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक लगभग 38% है। यहां पे करेक्ट आंसर है 74, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 118 है, भारतीय इतिहास में ऑपरेशन विजय का क्या महत्व है? तो ऑपरेशन विजय का क्या महत्व है, तो कारगिल विजय दिवस जो है ऑपरेशन विजय की सफलता की याद दिलाता है। और ये 25 साल पहले की बात है, जब भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठियों से खोई हुई ऊंची चौकियों को सफलतापूर्वक वापस हासिल किया था, जिससे जो है कारगिल युद्ध में निर्णायक जीत हासिल की गई। तो यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी सैनिक जो है शहीद हो गए थे, और इसके जो है परिप्रेक्ष्य में प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119 है, किस संगठन ने हाल ही में विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की? किस संगठन ने हाल ही में विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की? तो इस संगठन का नाम है ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 है, अंटार्कटिक संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस संधि पर 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन में 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। दूसरा कथन है भारत इस संधि का सदस्य है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत के लिए पूछा गया है, तो अंटार्कटिक संधि जो है 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन में 12 देशों द्वारा हस्ताक्षरित की गई थी, जो वर्ष 1957-58 के अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकी वर्ष के दौरान अंटार्कटिका में सक्रिय देश थे, वे इसमें शामिल थे। और वर्ष 1961 में इसको लागू किया गया, तब से कई अन्य देश इसमें शामिल हो गए, जिससे कुल दलों की संख्या जो है लगभग 57 हो गई। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 है, प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसकी संकल्पना बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के नवाचार केंद्र द्वारा की गई। दूसरा कथन है इसका प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक स्तर पर कई घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को जोड़कर सीमा पार भुगतान को संवर्धित करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। तीसरा कथन है यह भुगतान क्षेत्र में पहला BIS नवाचार केंद्र परियोजना है, जो लाइव कार्यान्वयन के चरण में पहुंच गया है। चौथा कथन है RBI नेक्सस परियोजना में शामिल हो गया है। तो सही उत्तर का चयन करना है, तो चारों विकल्प यहाँ पे सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 है, प्रेस्टन वक्र क्या है? तो प्रेस्टन वक्र के बारे में देखा जाए तो यह प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा के बीच संबंध को दर्शाता है, तथा प्रदर्शित करता है कि अमीर देशों में लोगों का जीवन काल आमतौर पर लंबा होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 है, शेयर बाजार में जो है पंप और डंप योजना क्या है? तो शेयर बाजार में जो है पंप और डंप योजना हेर फेर का एक रूप है, जहां भ्रामक और गुमराह करने वाली जानकारी उपयोग करके किसी स्टॉक की कीमत जानबूझकर बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 124 है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राज्य आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो यहाँ पे 123वां जो है संविधान संशोधन लागू हुआ 2017 में आया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने तथा इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समकक्ष रखने के उद्देश्य से लोकसभा में पेश किया गया। लेकिन 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 ने संविधान में अनुच्छेद 338B और 342I जोड़कर NCBC को आधिकारिक तौर पर संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125 है, हाल ही में चर्चा में रहा पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या है? तो यह जो है
यह सिद्धांत हमें बताता है कि व्यक्तिगत बचत में वृद्धि से समग्र आर्थिक बचत में कमी आ सकती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का श्रेणी क्रम क्या है? तो 126 का करेक्ट आंसर है तीसरा है, भारत तीसरे पायदान पे है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत वर्ष 2023 में विश्व भर में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश बन जाएगा। दूसरा कथन है वर्ष 2023 में वैश्विक सैन्य व्यय 7% बढ़कर $2.43 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, जो वर्ष 2009 के बाद सबसे तेज वार्षिक वृद्धि है। तीसरा है चीन विश्व भर में सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 127 में देखा जाए पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन जाएगा 2023 में, और जिसका कुल व्यय $83.6 बिलियन है, जो वर्ष 2022 से 4.2% अधिक है। तो इसलिए यहाँ पे तीसरा नहीं, 2023 में चौथा बड़ा देश बना है जो है सैन्य व्यय करने वाला। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा सही है, और तीसरा भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश चीन है, जिसने वर्ष 2023 में अपनी सेना को लगभग $296 बिलियन आवंटित किए, जो पिछले वर्ष से लगभग 6% की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार यहाँ पे केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, शोम्पेन जनजाति मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह जो है ग्रेट निकोबार द्वीप में पाई जाती है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, और शोम्पेन की जो है अनुमानित जनसंख्या 229 है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन बिहार विधान परिषद के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो ये है अवधेश नारायण सिंह, जिनको ये कार्यभार दिया गया है, और बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में हुई थी, और 1936 में राजीव रंजन सिन्हा बिहार विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। इसके अलावा बिहार के अलावा जो है टोटल जो है हमारे जो है देश में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो है इनडोर एयर पॉल्यूशन पर अध्ययन करने का निर्णय लिया है? तो बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया है, और अध्ययन जो है पटना में शुरू होगा, और गया, मुजफ्फरपुर तथा राज्य के अन्य शहरों में भी इसको विस्तारित किया जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, बिहार के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय विश्वविद्यालय ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों की श्रेणी के तहत भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 में शीर्ष 10वें स्थान सुरक्षित किया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को बिहार से यूएस ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान जो है पटना के निवासी है डॉक्टर राजनाथ झा, इनको ये जो है अवार्ड दिया गया है, और कार्यक्रम के दौरान झा को जो है 34वें मांगलिक दोष निवारण और सुखी वैवाहिक जीवन पर इसके प्रभाव पर उनके शोध आधारित व्याख्यान के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला है। यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, नालंदा विश्वविद्यालय परिसर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। दूसरा कथन है यह एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। तो सही कथन को यहाँ पे चुनना है। तो 133 में देखा जाए पहला कथन गलत है, क्योंकि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया, और दूसरा कथन सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, देश का 19वां निफ्ट जो है राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान बिहार के किस जिले में खोला जाएगा? तो 134 में देखा जाए तो यह जो है बेगूसराय में खोला जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर के नाम पर मंगल ग्रह पर स्थित क्रेटर का नाम रखा गया है?
तो हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 क्रेटरों का जो है नाम प्रसिद्ध ब्रह्मांडी किरण भौतिकी विज्ञानी स्वर्गीय देवेंद्र लाल और उत्तर भारत के मुरसान और हिलसा शहरों के नाम पर रखा गया है। हिलसा बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। बिहार सरकार के निम्नलिखित में से किस विभाग ने हाल ही में परिमार्जन प्लस पोर्टल का आरंभ किया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसको आरंभ किया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। केंद्र सरकार की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा पर व्यय के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यहाँ पे देखा जाए बिहार राज्य शीर्ष पर है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। सुशील कुमार मोदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, लोकसभा, राज्यसभा, बिहार विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य होने की उपलब्धि प्राप्त करने वाले कुछ नेताओं में से एक है वे। दूसरा कथन है, उन्होंने विधानमंडल के इतिहास में पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। तो सही कथन को यहाँ पे चुनना है। तो 138 में देखा जाए तो दोनों कथन सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुशील कुमार मोदी जी हैं, वे 2005 से 2013 तक और 2017 से लेकर 2020 तक जो है बिहार के डिप्टी सीएम रहे और 1990 में पहली बार वे जो है पटना सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने और 1996 से 2004 तक वह जो है राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। इसके अलावा वह 2004 में जो है भागलपुर से लोकसभा का सदस्य बने और 2005 में उन्होंने अपनी लोकसभा सदस्यता हालांकि छोड़ दी और विधान परिषद के सदस्य बन गए, जिसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया और सीएम नीतीश कुमार बने थे। और इसके पश्चात जो है मोदी सरकार में 2020 में वे राज्यसभा के लिए भी चुने गए। इस प्रकार यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को सफलतापूर्वक शुरू किया है? तो इसको शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित में से किसे लिथियम आयन बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग किया जाता है? लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, लिथियम मैंगनीज ऑक्साइड, लिथियम आयरन फॉस्फेट। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। 140 में देखा जाए तो यहाँ पे तीनों ही विकल्प यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 141 है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 है, बायो डिग्रेडेबल पेपर सुपर कैपेसिटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह एक विद्युत रसायन आवेश भंडारण उपकरण है जिसमें तेज आवेश या अनावेश चक्र, उच्च शक्ति घनत्व और दीर्घ जीवन चक्र होता है। दूसरा कथन है, इसे समुद्री शैवाल से विकसित किया गया है। तो सही कथन को चुनना है। तो 141 में देखा जाए तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का पहला जो है चौथी पीढ़ी का नाभिकीय रिएक्टर शुरू किया है? तो चीन द्वारा जो है विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किया गया है और जिसमें एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर निर्मित करना शामिल है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन चीन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143 है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसका उद्देश्य परमाणु विखंडन को ऊर्जा के स्वच्छ हरित स्रोत के रूप में प्रदर्शित करना। दूसरा है कि भारत इस परियोजना का सदस्य देश नहीं है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 143 का देखा जाए दोनों ही कथन गलत है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका उद्देश्य जो है परमाणु संलयन को स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रदर्शित करना है। इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और भारत भी इसका मेंबर है, इसमें जो है चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, कोरिया, रूस और अमेरिकी सदस्य देश जो है इसमें शामिल है।
इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 144 है, विश्व के सबसे बड़े प्रायोगिक नाभिकीय संलयन रिएक्टर JT-60SA का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है कहाँ किया गया, जापान में, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में 700 मेगावाट की क्षमता का भारत का पहला और सबसे बड़ा स्वदेशी रिएक्टर हाल ही में परिचालित हुआ है? तो ये परिचालित हुआ है काकरा पार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 है, S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली जो है मोबाइल मिसाइल प्रणाली है। दूसरा कथन है, इसे इजराइल द्वारा विकसित किया गया है। तो 146 में देखा जाए पूछा गया है, हाँ, तीसरा कथन है, इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक की ऊंचाई के साथ 400 किलोमीटर तक है। तो पहला कथन तो यहाँ पे सही था, दूसरा सही नहीं है क्योंकि इसे रूस ने विकसित किया है, तीसरा सही है। तो यहाँ पे पहला तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147 है, हाल ही में भारत द्वारा विमोचित किए गए पहले ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है निर्ची, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148 है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से वेनेडियम की खोज की है? तो वेनेडियम की खोज जो है किसने की है, जो है खंबात की खाड़ी में, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149 है, ग्रीन हाइड्रोजन हब के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस बंदरगाह की पहचान की गई है? पहला दीनदयाल बंदरगाह, दूसरा पारादीप बंदरगाह, तीसरा मुंबई बंदरगाह, चौथा है वीओ चिदम्बरम बंदरगाह है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो 149 में देखा जाए तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, मुंबई बंदरगाह गलत है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 है, स्नो ब्लाइंड क्या है जो हाल ही में जन समाचारों में देखा गया? तो यह एक एंड्रॉयड मेलवेयर है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है।